मोतिहारी में एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसी कड़ाके की ठंड में कुछ राहत देने वाली तस्वीर भी देखने को मिल रही है। देखिए इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मोतिहारी शहर की आधी रात की तस्वीर है, सड़क की तस्वीर है। यहां आप तस्वीरों में सामने देख पा रहे हैं, ये राकेश पांडे हैं जो कि NRI है, ब्रावो फाउंडेशन से ऐसे जुड़े हुए हैं। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लोगों को मदद दे रहे हैं, जो वैसे लोग जो मजबूर हैं, जो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए रात के आधी रात को रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी राह उनके लिए मदद करने के लिए आगे आए, इनसे बात करते हैं। देख पा रहे हैं कि आप लगातार मोतिहारी में कई तरह के सामाजिक कार्यक्रम करते रहे हैं, और एक बार फिर से सड़कों पर निकले हैं, लोगों को राहत दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं। तो ये सिर्फ मोतिहारी शहर के लिए है या फिर इसके आगे भी अन्य ग्रामीण इलाकों में भी आप ऐसा करेंगे? जी नमस्कार पंकज जी, ऐसा है कि हम लोगों ने प्लान किया है, आज से इसकी शुरुआत हुई है। 27 प्रखंड है पूर्वी चंपारण जिले, तो 27 प्रखंड में हर एक प्रखंड में ब्रावो फाउंडेशन के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग जिनको वाकई ज़रूरत है उन तक इस तरह का जो ये कार्यक्रम चलेगा। और ये मुझे लगता है 15 जनवरी तक चलेगा, लगातार चलता रहेगा, क्योंकि 27 प्रखंड काफ़ी बड़ा एरिया होता है और उनके बीच कंबल वितरण करना है। आज चूँकि शुरुआत थी और इत्तेफाक से मैं मोतिहारी शहर में हूँ और मोतिहारी शहर से एक लगाव है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इस कार्यक्रम का शुभारंभ आज से किया जाए, ताकि जो लोग ज़रूरतमंद है, आप देख सकते हैं इन लोगों की जो हालत है या जो कमाते हैं खाते हैं, तो उनके पास इस ठंड में अगर ये अपने घर से बाहर हैं, जहाँ आज बहुत सारे अमीर लोग या अच्छे घराने के लोग अपने घर में बैठे होंगे, तो शुक्रगुजार हूँ मैं कि ये फाउंडेशन के सदस्य इतनी रात को यहाँ बाहर आके इतनी बड़ा मदद का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिस आदमी को कहीं ना कहीं समस्या होगी, तभी तो इतनी रात में वो रिक्शा लेकर बुजुर्ग आदमी अपने घर से बाहर निकला है। तो ये सब हम लोग का नैतिक कर्तव्य है कि समाज में कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से सहयोग दें, और समाज को जहाँ कमी है उस कमी को गिराने से अच्छा उस कमी को पूरा किया। तो देखिए यहाँ पे बुजुर्ग है, रिक्शा चालक, उनसे बात करें तो बाबा आपको कंबल मिला, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। क्या कहिएगा कंबल देने वाले को? बहुत दुआ आप लोग दे रहे हैं भगवान के तरफ। तो देखिए ये दुआ है, ये दुआ जो कि पैसा से कतई नहीं मिल सकता, ये जो संतुष्टि है वो कतई पैसा से नहीं मिल सकता। ये जो एक रिक्शा चालक है जो आज दुआ दे रहे हैं, जिसके लिए मोतिहारी की सड़कों पर आधी रात को राकेश पांडे जैसे शख्स निकले हैं, ये तस्वीर है मोतिहारी की राहत देने वाली तस्वीर है, जो आम लोगों की मदद के लिए, गरीब और मजबूर लोगों की मदद के लिए NRI निकल रहे हैं। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। सफर पर है और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान, डाउनलोड करें और बाखबर रहें।